अब देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को वापस पी अपॉन क्यू या फिर ए अपॉन बी यानी कि एक रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि अगर हम लोग किसी भी एक नंबर को जैसे कि 5 अपॉन 2 को डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 आता है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लिया था हमने 1 अपॉन 3 तो उसमें हमने पाया था कि 0.333 एंड सो ऑन एक नंबर होता है। तो इस तरीके से ये तो था डेसिमल एक्सपेंशन क्रिएट करना, बनाना यानी कि उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना। अब अगर कोई नंबर हमें पहले से डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा और हमसे बोला जाए कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए या ए अपॉन बी की फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह के किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है 0.4 कोई एक नंबर है और हमसे बोला गया है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पर एंड सो ऑन नहीं लगा है, ना ही जीरो पॉइंट के बाद जो डिजिट है, जो डिजिट है फोर उसके ऊपर ना ही बार लगा है और ना ही ऐसे कोई डॉट लगा है। तो इससे साफ क्लियर होता है यानी एकदम बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि जो 0.4 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी डेसिमल के सिर्फ वन प्लेस तक है। तो अगर हम लोगों को कभी भी इस तरह के नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसका बहुत सीधा सा तरीका है जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आते हैं कि अगर हमें पॉइंट हटाना होता है तो हम लोग उसके डिवीज़न में 10 लिख देते हैं, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हम लोग 100 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो हम लोग 1000 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो हम लोग 10,000 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं 1 लगाकर उसके सामने उतनी 0 लिख देते हैं। ये तरीका होता है कि मान लिया हमें 0.4 को डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हम लोग यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 4 लिख देंगे और उसके नीचे 10 डिवीज़न में यानी इसके नीचे 10 लिख देंगे यानी कि उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 को 10 से डिवाइड करें वापस यही आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा यानी कि यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 5, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर बन जाएगा 2/5। तो हम कह सकते हैं कि 0.4 को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से वापस इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 2/5 है। 0.4 का जो p बाई क्यू वाला फॉर्म है वो 2/5 है, अगर 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वापस हमें 0.4 मिल जाएगा। ये सिंपल तरीका है कि हमें एग्जांपल के एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग को कोई एक नंबर मिला है 0. यहाँ पर हमसे कह दिया 0.875, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको भी इस नंबर को भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए हम लोग डेसिमल नीचे इसके यानी डिनोमिनेटर में 1000 लिख देंगे तो यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा 875/1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये नंबर उस नंबर की फॉर्म में आ जाएगा जो कि जिससे ये डेसिमल एक्सपेंशन बना था। एक्चुअल में ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं कि हमने पहले किसी एक ऐसे नंबर को जो कि डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं लिखा था यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था, उसको न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। अब अगर कोई नंबर हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में मिल जाए तो फिर हम लोग वापस से उसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, जैसे ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इनमें कई बार केवल सिंगल डिजिट रिपीट होती है, कई बार 2 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं, कभी 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी भी डिजिट्स अपने आप को रिपीट करें उनको जब हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई है तो ऐसे किसी भी नंबर के को हम लोग डेसिमल हम ऐसे किसी भी नंबर को टर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे ये हमारा नंबर है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसको हम लोग यहाँ पर या तो बार की फॉर्म में लिख देंगे या तो फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसके अलावा इसके ऊपर 0.3 लिखकर इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, पॉइंट डॉट भी लगा सकते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे वाले टाइप के नंबर्स को हम लोग किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को सीखते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हमसे कहा गया है 0.3 और इसके ऊपर बार लगा है, हमसे बोल रहा है कि इसको
पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख के दिखाइए। तो इसको ऐसे किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग उसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही होगी तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, अगर टू डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर थ्री डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और थ्री डिजिट्स के बाद अगर ऐसे ही कोई भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर सिंगल डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डबल डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर थ्री डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किस तरीके से करेंगे कि जो ये नंबर हमें दे रखा है इसको किसी एक नंबर x के इक्वल में लेट कर लेंगे। तो जैसे अगर हम लोगों से बोला गया है कि जैसे ये 0.3 बार है तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार, जो 3 बार है 0.3 बार एक नंबर के फॉर्म में हमें दिया, हमने इसको लेट कर लिया। और जब हम इसको लेट कर लेते हैं तो हम इसको रीराइट करते हैं 0.333 एंड सो ऑन, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने 4 डिजिट तक लिख के उसके आगे एंड सो ऑन लिख दिया है। लेट करने का काम हमारा पूरा हो गया। ये वाली जगह वो है, यानी इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि x इक्वल्स टू जब 0.333 आ गया तो हम इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारा उस तरीके से आ जाए। तो मैंने कहा अगर सिंगल डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी RHS में भी, अगर डबल डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी RHS में भी, अगर इसके आगे ऐसे जैसे 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स जितनी भी डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है तो हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। जब हम लोग इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10x हो जाता है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3.333 एंड सो ऑन हो जाता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जब हम लोग ये कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर का जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इसी प्रोसेस के थ्रू। तो जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो ऐसे करके 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन इसे ऊपर लिख लेते हैं, और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको माइनस करना है इसमें से तो इसको हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं एंड सो ऑन। जब ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ पर माइनस करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस, और जब माइनस करेंगे तो 10x माइनस x यहाँ पर बचेगा 9x, और यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे पीछे से तो 000 आता जाएगा, यानी यहाँ पर भी 0 बचेगा यहाँ पर भी 0 बचेगा, अगर हम लोग देखें तो 0 यहाँ पर भी आ जाएगा 0 यहाँ पर भी आ जाएगा और इस जगह पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास नंबर बचा 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9 को जब हम लोग इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3/9 और ये आ जाएगा 1/3, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/3, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि x को हमने लेट किया था 0.3 बार के इक्वल, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3। किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है 0.23 के ऊपर बार। अब 23 के ऊपर बार है मतलब टू डिजिट पर डबल डिजिट जो है उनके ऊपर बार लगाया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको लेट कर लेंगे एक्स इक्वल्स टू 0.23 के ऊपर बार, ऐसे लेट करेंगे और फिर इसको रीराइट करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि दो डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, इसलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 23 23 23 एंड सो ऑन। ऐसे करके इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट रिपीट हो रही है मतलब टू डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, इसलिए हम लोग 100 से इधर और 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ऑन बोथ साइड दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x और ये आ जाएगा यहाँ पर 23.3
23.23 23 23 एंड सो ऑन। जब इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 100x ऐसे करके इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 23 23 एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा यहाँ पर 0.23 23 23 एंड सो ऑन। जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, 100x माइनस x का मतलब 99x हो जाएगा, और 23 जब इसको माइनस करेंगे पीछे की तरफ से तो ये ज़ीरो आता जाएगा, और यहाँ इसके पीछे सभी ज़ीरो आ जाएंगे, जितने भी हैं यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं सब ज़ीरो आ जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा हमारा 23, और 23 जब यहाँ पर बचा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फाइनली 99x इक्वल टू 23। इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 23/99। तो x की वैल्यू आ गई 23/99। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता होगा तो इसको वहीं पर छोड़ देंगे। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 23 प्राइम नंबर है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन से वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसके लिए तो सिंपल तरीका होता है कि हम लोग उसको जितने डेसिमल प्लेस होते हैं पॉइंट के बाद, जितने डेसिमल प्लेस तक डिजिट्स लिखी हुई हैं पॉइंट, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उतने ही नंबर से, यानी कि 10 से 100 से 1000 से जितनी डिजिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ज़ीरो बढ़ा देते हैं या लगा देते हैं, उससे वो नंबर वापस से पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का ऐसे टाइप या ऐसे टाइप का होता है तो उसके लिए प्रोसेस होता है कि अगर जैसे पहले नंबर को लेट कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स को। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं कि बोला गया है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 and 1/7। 3 नंबर्स दिए हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया है। जो डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम लोग देख रहे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं और फिर वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो वही बात हमें इस एग्जांपल में बतानी है। और उसका तरीका यही है कि जैसे अगर हमसे 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन उसने पूछा है तो 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ हम लोग डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर 0 लगाकर 3 3 9 करेंगे, फिर 1, फिर 3 3 9 करेंगे, और ये नंबर ऐसे ही चलता जाएगा। जब भी आप डिवाइड करोगे हर बार 1 बचेगा, आप 0 लगाओगे 3 3 चलाओगे हर बार 1 बचेगा, और इसी तरीके से ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चलता जाएगा। इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, और जब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 10/3 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा कितना, 3.3333 एंड सो ऑन। और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का है। आप देख रहे हो डेसिमल के बाद 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और क्योंकि 3 अपने आप को 3 जो डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हाई है साथ ही साथ रिपीटिंग नेचर का है। उसके बाद 7/8 को देखते हैं। अगर हम लोग 7/8 को देखते हैं तो इसका मतलब है कि 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग 8 से 7 को डिवाइड करने का मतलब इस पे चलेगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर चलाएंगे कि कितना टाइम ये चल सकता है, 8 8 64, और फिर यहाँ पर हमारा 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, यहाँ पर 4 बचेगा, और 0 लगाएंगे तो 8 5 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब यह है कि जब हमने 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया तो हमने पाया कि वो डेसिमल एक्सपेंशन 0.875 है, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप इसको देख सकते हैं 0.875 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फिर उसके बाद हम लोग 1/7 को करके देखते हैं। जैसे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। इस पे ये चीज़ मतलब इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल, क्योंकि पहली बार में डिवीज़न चलेगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर 7 1 7
यहाँ पर 7 1 7 करने के बाद यहाँ पर 3 बचेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 4 28 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 20 हो जाएगा तो 7 2 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 बचेगा तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 7 8 56। 7 8 56 के बाद जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये आ जाएगा और यहाँ पर 40 होने के बाद हम लोग क्या कहेंगे 5, और फिर यहाँ पर जब 35 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 बचेगा और फिर यहाँ पर लगाएंगे तो 7 7 49। ऐसे ही जब हम लोग अब यहाँ पर बचेगा 1, और जब 1 बचेगा तो 1 के बाद हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर से 7 1 7 आ जाएगा, और फिर ऐसे ही जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 के बाद अब डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई है। वो डिजिट रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो एक्चुअल में तब पता चलेगा जब हम लोग इसको और आगे डिवाइड करेंगे। मैं आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप करके देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये पाया कि 0.142857 तक तो कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही थी, लेकिन 7 के बाद जो डिजिट आई है वो अपने आप को रिपीट, उसने अपने आप को रिपीट किया, यानी कि 1 आया। जब आप इसके आगे करोगे, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया तो फिर से यहाँ पर 1 होने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 1 था 10 बनाया था, और बिल्कुल यही सेम पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि इसके बाद जो डिजिट्स आएंगी वो 1 4 2 8 2 8 5 7, फिर उसके बाद 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन, और ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो 1/7 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आया 1 4 2 8 5 7, और इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है। जो डिजिट्स हैं अपने आप को लगभग 6 प्लेसेस के बाद रिपीट कर रही हैं। अगर आप 1 को देखो तो 1 2, उसके बाद कितने प्लेसेस के बाद वो चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, और मतलब 6 नंबर पे जाके ख़ुद फिर से आएगा वापस। इसी तरीके से हर एक डिजिट लगभग रिपीट हो रही है, मतलब डिजिट रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी रिपीटिंग नेचर का है, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने हमसे पूछा है शो दैट 3.142678 इज़ आ रेशनल नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल के बाद जब 8 अगर हम लोग देखें तो एंड सो ऑन का साइन नहीं है, ना ही इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का नहीं है, बल्कि टर्मिनेटिंग नेचर का है। और अगर आप ऐसे किसी भी नंबर को, जैसे कि ये 3.142678 लिखा है, अगर आप इस नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन से वापस P/Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये पॉइंट हटा देंगे ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे, और 0 कितने आ जाएंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने 0 आ जाएंगे, और ये नंबर हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 2 6 7 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये नंबर। तो इस नंबर को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसको डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में जब लिखेंगे तो पाएंगे कि ये नंबर P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है। इस तरह के किसी भी नंबर को जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता ही है। इसके बाद हम लोगों से कहा गया है, अगर हम लोग देखें तो इसने हमसे बोला कि शो दैट 0.3333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, यानी हमसे उसने शो करने के लिए कहा है कि 0.33 को हम लोग P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0.333 यानी कि 0.3 के ऊपर बार लगा हो, ऐसे नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने अभी एक्सप्रेस किया था कुछ ही मिनट्स पहले, तो इसका मतलब है कि हम इसको वापस से रिपीट नहीं करते, ये नंबर सेम टू सेम वही नंबर है। फिर उसके बाद हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 8, जिसको हम लोग देखते हैं, शो दैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। तो इस नंबर को अगर हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो हमें दिया गया है कि 1.27 के ऊपर बार लगा है। इस नंबर को अगर हम लोग ले लें तो इस नंबर को हम लोग लैड कर लेंगे एक्स के इक्वल, और जब इसको एक्स के इक्वल में लैड कर लेंगे 1.27 बार है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, इसलिए जब हम लोग इसको रीराइट करते हैं और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखा जा सकता है 1.2727
एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 इसलिए कर रहे हैं जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टू डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 100x इक्वल्स टू आ जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर टू। हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले भी मैंने बताया था अभी, तो इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर लेते हैं, और जब इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस करेंगे तो ये 100x इक्वल्स टू 127.272727 एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा 1.272727। आपको हमेशा ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और इक्वल में हमेशा यही बस देखना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने ही ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 99x बचेगा, और यहाँ पीछे से जब हम लोग इसको माइनस करते हुए आएंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो ही आता जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पूरा इधर की तरफ ज़ीरो आएगा, और यहाँ पर 127 में से 1 माइनस होगा तो ये 126 बचेगा। फाइनली हमारे पास एक नंबर आया 99x इक्वल्स टू 126, तो x इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहें तो 3 फोर ज़ा 12 और 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 थ्री ज़ा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का जो वैल्यू है वो आ गया 42 अपॉन 33, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर को रेशनल नंबर में लिखने का, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। जो आगे एक और क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है उसको भी देख लेते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें उसने हमसे क्या बोला है। इसमें कहा एग्जांपल नंबर 9 दिया गया है, इसमें हमसे इसने बोला है 0.232353535, मतलब 2 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 35 जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। इसलिए अगर हम लोग इस नंबर को देखें तो ये नंबर हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, 235 के ऊपर बार है, यानी कि 2 के ऊपर बार नहीं है, 35 के ऊपर बार है, मतलब 2 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है बल्कि 35 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो फिर से वही बात कि हम लोग इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, और जब x के इक्वल लेट करेंगे यहाँ पर 0.235 के ऊपर बार था, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.253535 35। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि यहाँ पर टू डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। कई बार देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा कहना है कि आपको एक ही बात बस ध्यान रखनी है कि अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही हो तो 10 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, अगर डबल डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, अगर 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड। जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करिए, उसी से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से दोनों साइड में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 100x, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 23.5353535 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस करेंगे, फिर से वही काम, और जब इस तरह से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 100x इक्वल्स टू 23.5353535 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा जो था ये 0.23535 ऐसे करके डेसिमल के नीचे डेसिमल बाकी सारे डिजिट्स को अरेंज करके जैसे सही तरीके से लिखते हैं मैनर में उस तरीके से लिखेंगे, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा 99x, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये पूरा जीरो आएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, पॉइंट आएगा 23 माइनस 0 का मतलब आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आ गया 99x इक्वल टू 23.3। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये हमारा फाइनली नंबर बचा 99x इक्वल टू 23.3। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 23.3 अपॉन 99, पॉइंट हटाकर नीचे की तरफ एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो यह आ जाएगा 233 अपॉन 990। अगर इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते होंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते होंगे तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और बस यही हमारा नंबर है जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 9 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं।
एग्जांपल नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर पूछा है, जबकि 1/7 भी एक रेशनल नंबर है और 2/7 भी एक रेशनल नंबर है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमसे एक रेशनल नंबर पूछा है। दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को कभी भी टू रेशनल नंबर्स कहे तो टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसने हमसे सिर्फ एक पूछा है, इसलिए अगर एक रेशनल नंबर को हमें बताना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर जो ये 1/7 पहला रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये देखिए 1/7 सेम नंबर है, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैंने आपको करा था, तो ये वो था 1/4/2/8/5/7 और उसके ऊपर बार लगा था। इसी तरीके से अगर हम लोग 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर हम लोग 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो जो भी होगा यहाँ पर इस तरह से एक नंबर आएगा। उसको वैसे भी हमें कुछ करना नहीं है, मतलब अगर हम लोग चाहें तो करना चाहें तो करके देख सकते हैं, वही चीज़ आ जाएगी। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे उसी से ही उससे भी नंबर बन जाता है, जैसे 2/7 = 14, ये एक ट्रिक के जैसा है। 2/7 = 14, 4 आ गया, 2/5 = 10, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2/5 = 10 + 1 = 10 आ गया, और 2/8 = 16 और 1/17 यानी उसका 1 आ जाएगा, 2/2 = 4 + 1 यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 2/4 = 8 आ जाएगा, और 2/8 = 5 = 7 = 14 और इसके ऊपर 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही अगर आपको 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर फाइंड करना पड़े तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2/7 का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 2/7 का मतलब ये भी होता है 2 × 1/7, और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। आप करके भी देख सकते हो, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जैसे अगर 3/7 का करना है तो 3 को 7 से डिवाइड कर लें तब भी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 1/7, जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे से ही मल्टीप्लाई होता हुआ आता है और इसी तरीके से वो अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई वो कुछ गलत नहीं है। इसी तरह से जब हम लोगों को इनके डेसिमल एक्सपेंशन पता चल गए तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर हमसे पूछा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो सेकंड नंबर है इसके डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम लोग अनचेंज रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो नंबर 2/7 से बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर 2/7 से बड़ा हो जाएगा वो नंबर इनके बीच में नहीं होगा बल्कि उसके आगे होगा। हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग इसको अनचेंज रखेंगे, और इसमें से किसी भी एक डिजिट को हम लोग चाहें, एक डिजिट को, दो डिजिट्स को, जब अगर हम लोग चाहें तो चेंज कर देते हैं, उसी से ही इनके बीच में एक नंबर आ जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात का ख्याल रखना है कि जो डेसिमल के बाद पहली डिजिट है उसे चेंज नहीं करना है, ऐसा ना हो कि हम लोग डेसिमल के बाद की जो फर्स्ट डिजिट है इसे 1 से बढ़ाकर 2, 3, 4 या कुछ कर दें, तो अगर ये 2 हो जाएगा या फिर 5, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगर सपोज़ ये 0.34 हो जाए तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। इसलिए जो बची हुई डिजिट्स हैं हमारी, इनमें से किसी भी एक डिजिट को चेंज कर देते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में उसको दिखा देते हैं, ऐसा कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0.1, यहाँ पर 1 वैसा का वैसा ही रखा, ये वाले जो डिजिट्स हैं इनमें से किसी का भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसे करके कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे अगर मुझे उसके बाद 5 डिजिट हैं तो ऐसे करके ये एक नंबर है, और ऐसे ऐसे करके आप ये 7 को चेंज करके 6 कर दीजिए, 5 को चेंज कर 4 कर दीजिए, 8 को चेंज करके 7, 3, 4, कुछ भी कोई भी डिजिट अपने आप में बदल कर यहाँ पर लिखी जा सकती है, वो इन दोनों नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर होगा। अगर कभी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उसके लिए यही तरीका होता है कि दोनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर देते हैं, सेकंड नंबर जो कि बड़ा है जिससे पहले नंबर हमें बताना है उसको हम लोग छेड़ते नहीं हैं, उसको टच नहीं करते, उसको अनचेंज रखते हैं, और जो नंबर हमारा पहला वाला होता है उसके डेसिमल एक्सपेंशन में पहली डिजिट को छोड़कर, डेसिमल के बाद की जो फर्स्ट डिजिट को छोड़कर उसके आगे की डिजिट्स में चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग बहुत से नंबर्स फाइंड कर सकते हैं उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ये
एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड एग्जांपल्स थे। इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 को अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।